गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद लगातार जारी है। एसएसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद की अगुवाई में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण, नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ विरह चेकिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि अतिक्रमण और जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, साथ ही अतिक्रमण करने वालों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े 1000 वाहनों का चालान किया गया है। इस दौरान एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने शहरवासियों से सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, ये देखिए गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, जिसके क्रम में यातायात पुलिस द्वारा छात्र संघ चौराहे से लेकर कैंट चौराहा, कैंट से बितियाता, बितियाता शास्त्री चौक, कचहरी चौराहा से गोल घर, गणेश चौराहा, काली मंदिर होते यातायात तिराहे तक पैदल भ्रमण कर जो अस्थायी अतिक्रमण ठेले, खोमचे और लोग दुकानें बढ़ाकर लगाते हैं उनको व्यवस्थित कराया गया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल सके। इस दौरान जो भी लोग नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करके अवरुद्ध करते हैं, मार्ग आने जाने में समस्या उत्पन्न होती है, उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान कुल लगभग 1000 वाहनों के खिलाफ जो है कार्रवाई है की गई है। सर, जो देखा जा रहा है कि कुछ दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा दिया जा रहा है, देखिए जो लोग एक बार हटाने के बाद लगा रहे हैं, नगर निगम द्वारा उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जा रहा है, नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की जा रही है और नगर निगम द्वारा उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।